हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राओं के बारे में। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है और हर एक मात्रा का अपना एक अलग खास चिन्ह होता है। वे चिन्ह क्या है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्वर और उसकी मात्राएं। हमने यहां लिखा स्वर और यहां लिखा उसकी मात्राएं। पहला स्वर है आ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद आ, जिसकी ये मात्रा है आ स्वर की। इसके बाद ई, और ई स्वर की ये छोटी की मात्रा है ई। ऊ स्वर की मात्रा ऊ, और ये स्वर की मात्रा। इसके बाद आता है री, री की मात्रा ए, ए। ओ, ये ओ स्वर की मात्रा और ये औ। तो आपने देखा स्वर और उसकी मात्राएं, ये सारी स्वर है और ये उनकी मात्राएं। आ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ, इसकी मात्रा ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ और औ, ये स्वरों की मात्राएं हैं। हिंदी वर्णमाला में तीन वर्ण ऐसे भी हैं जो ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन। ऐसे वर्ण जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। और अयोगवा तीन प्रकार का है, पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। तो आइए पढ़ते हैं अयोगवा के पहले भाग के बारे में। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। इसमें कि पहला आता है अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, मतलब जब हम उनको बोलते हैं, उनको उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय, यानी इनको बोलते समय, उच्चारण के समय वायु नाक से बाहर निकलती है, उन्हें
स्वर कहा जाता है, कहा जाता है, जैसे कंगन, अंगद, चंचल आदि। इन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो वायु जो है नाक से ही निकलती है और इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, वह वो दूसरा था अनु नासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय वायु हवा जो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक। अब बोलकर देखिए, जैसे कि एक शब्द है आंख, दांत, अंगुली, ये शब्द जो है इनको हम जब बोलते हैं तो वायु हमारे मुंह से और नाक से दोनों से बाहर निकलती है, जिन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो वही लिखेंगे हम यहाँ, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण के समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, अनुनासिक कहा जाता है। जैसे जैसे सांप, दांत, आंख आदि। जब हम इनको बोलते हैं तो जो वायु वो हमारी नाक से और मुंह से दोनों से ही बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक, जैसे सांप, दांत, आंख और भी बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो आता है विसर्ग। जिन वर्णों के उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है, उन्हें विसर्ग कहा जाता है।
जैसे प्रातः, तपः, नमः, जिनके उच्चारण किसमें ह की आवाज आती है वो उन्हें हम विसर्ग कहते हैं और ये अनुनासिक है। जैसे प्रातः, तपः, नमः और बहुत सारे शब्द हैं जिनके जिनको बोलते इसमें ह की आवाज आती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह हमारा स्वर और उसकी मात्राएं पूरा हो गया और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो उम्मीद है आपको स्वर और उसकी मात्राएं पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें होगी व्यंजन की व्यंजन और उसके बारे में बातचीत। तो इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।